Hello class 2, welcome to this classes in EVS. Today I am going to discuss exercise A and exercise B of chapter 5. Chapter name is My School. Exercise A is write T for true and F for false. सही के लिए आपको T लिखना है, true के लिए T लिखना है और false के लिए, गलत के लिए आपको F लिखना है. First है, first sentence, we shout and make noise in class. वी शाउट, हम चिल्लाते हैं एंड मेक अ नॉइज और शोर मचाते हैं इन क्लास, क्लास में. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है. हम क्लास में शोर नहीं मचाते, हम क्लास में शांत रहते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट है, वी वियर क्रम्पल एंड डर्टी क्लोथ इन क्लास. वी वियर, हम पहनते हैं, क्रम्पल मतलब सिकुड़े हुए एंड डर्टी, डर्टी मतलब गंदे, क्लॉथ मतलब कपड़े इन क्लास, क्लास में. हम क्लास में सिकुड़े हुए और गंदे कपड़े पहनते हैं, तो ये भी फॉल्स है. हम जो है वो नीट एंड क्लीन कपड़े पहनते हैं, आयरन कपड़े पहनते हैं क्लास में. थर्ड स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. प्रिंसिपल स्कूल के हेड होते हैं, तो ये ट्रू है. आप ब्लैंक्स में भरेंगे, ब्लैंक्स छुप जा रहा है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल स्कूल के हेड होते हैं, ये राइट है. फोर्थ स्टेटमेंट है, स्कूल इज फन एंड ग्रेट प्लेस टू गो. स्कूल एक बहुत ही आनंद देने वाला एक महान जगह है, तो ये भी ट्रू है. स्कूल इज अ ग्रेट प्लेस. फिफ्थ स्टेटमेंट, वी रीड गुड बुक्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड. हम स्कूल के प्लेग्राउंड में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो ये फॉल्स लिखा हुआ है. हम प्लेग्राउंड में किताबें नहीं पढ़ते हैं, हम लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं, तो ये फॉल्स है. फॉल्स के लिए लिखेंगे एफ. सिक्स्थ स्टेटमेंट है, देयर आर मेनी स्विंग्स इन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में बहुत सारे स्विंग्स, बहुत सारे झूले हैं, तो ये भी ट्रू है. सेवन्थ स्टेटमेंट है, वी हैव आवर लंच एट द मॉर्निंग असेंबली. हम मॉर्निंग असेंबली में अपना लंच करते हैं. हम मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर करने के लिए जाते हैं, लंच करने के लिए नहीं जाते हैं, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है, फॉल्स है. तो इसके लिए आप लिखेंगे एफ. और ये तो सिक्स स्टेटमेंट राइट था, प्लेग्राउंड में बहुत सारे झूले होते हैं, तो ये राइट है. इसके लिए आप सिक्स स्टेटमेंट ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे. अब आते हैं एक्सरसाइज बी, मेक अ सर्किल अराउंड द पिक्चर विच इज नॉट राइट. जो भी पिक्चर में जो भी चीज़ सही नहीं है आपको उसको सर्किल बनाना है. पहले हम सारे पिक्चर देख लेते हैं. फर्स्ट पिक्चर में, इन दिस पिक्चर दिस बॉय इज टियरिंग द पेज. यह लड़का पेज फाड़ रहा है, तो दिस इज रॉन्ग थिंग्स, यह गलत है. वी शुड नॉट डू दिस, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है. तो इसको आपको क्या करना है, जो भी चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए, उसको सर्किल करना है. इन द सेकेंड पिक्चर दिस गर्ल इज पेंटिंग, लड़की जो है पेंटिंग कर रही है, तो पेंटिंग गलत, कोई गलत चीज़ नहीं है. इन द थर्ड पिक्चर द गर्ल इज सिंगिंग, ये भी राइट है, राइट थिंग है, ये भी रॉन्ग नहीं है. द टीचर इज टीचिंग, ये भी राइट है, ये भी गलत नहीं है. इन द फिफ्थ पिक्चर दिस गर्ल इज शेयरिंग हर लंच, ये लड़की अपना लंच शेयर कर रही है अपनी फ्रेंड से, तो ये भी राइट है, ये भी रॉन्ग नहीं है. इन द सिक्स्थ पिक्चर चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द सी सॉ, बच्चे जो है सी सॉ पे खेल रहे हैं, तो ये भी राइट है, ये भी रॉन्ग नहीं है. बट इन द लास्ट पिक्चर वन गर्ल इज टीजिंग टू अनदर, एक गर्ल जो है वो दूसरे को टीज कर रही है, तो दिस इज रॉन्ग थिंग, ये गलत है. वी शुड नॉट डू दैट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. तो जो भी रॉन्ग है उसके लिए आपको क्या करना है, सर्किल करना है. तो फर्स्ट पिक्चर रॉन्ग था, ऐसा हमें पेज नहीं फाड़ना चाहिए, और लास्ट जो है वो भी रॉन्ग है. हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी से मारपीट नहीं करनी चाहिए. यहाँ रिमेंबर में लिखा हुआ है, ये पिक्चर से मेरे छुप जा रहा है, इसमें लिखा हुआ है वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन एंड आयरन क्लॉथ टू स्कूल. हमें हमेशा साफ सुथरे और आयरन किए हुए कपड़े पहनने चाहिए. वी मस्ट पॉलिश आउट शूज एवरी डे, हमें प्रत्येक दिन अपने शूज को पॉलिश करनी चाहिए. वी मस्ट नॉट शाउट और फाइट इन द स्कूल, हमें स्कूल में चिल्लाना नहीं चाहिए, फाइट नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए.
नेक्स्ट एक्सरसाइज सी हम लोग कल डिस्कस करेंगे।